हेलो माय क्लास 12th स्टूडेंट, हाउ आर यू। मैं अरुण शर्मा, आपका फिजिक्स टीचर, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल एवेज फिजिक्स फॉर यू पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th का एक नया लेक्चर लेकर आपके सामने आए हैं। आज हम बात करेंगे अबाउट द मशीन्स। एक बहुत इंटरेस्टिंग मशीन के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, जिसका नाम है साइक्लोट्रॉन। फर्स्ट थिंग, मशीन्स क्या होती हैं सब जानते हैं। जो हमारे एफर्ट्स को जो हम अप्लाई कर रहे हैं उसको ईजिली वर्क डन में कन्वर्ट कर दें, मतलब बाय दिस मशीन्स, इन मशीनों के थ्रू हम बहुत कम एफर्ट्स में ज़्यादा वर्क डन कर सकते हैं, बहुत अच्छा वर्क डन कर सकते हैं। इसी प्रोसेस में जो मशीन है साइक्लोट्रॉन, वो क्या करती है। साइक्लोट्रॉन मशीन हमारे चार्ज पार्टिकल, हैवी चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट कर देती है, उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकती है। इवन देन इतनी ज़्यादा स्पीड और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर सकती है कि हम न्यूक्लियस तक को ब्रेक कर सकते हैं। यू नो, न्यूक्लियस ब्रेक करना इज़ अ वेरी टफ टास्क, और हम साइक्लोट्रॉन के थ्रू हैवी चार्ज पार्टिकल को इतना ज़्यादा एक्सीलरेट कर रहे हैं कि उसकी काइनेटिक एनर्जी इस लेवल तक इंक्रीज हो जाए कि वो न्यूक्लियस को ब्रेक कर पाए, ताकि हम केमिस्ट्री में बहुत जगह में ज़रूरत पड़ती है न्यूक्लियस ब्रेक करने की, वहाँ पर इसका यूज़ कर पाएँ, या फिर न्यूक्लियस की इंफॉर्मेशन कहीं कलेक्ट करनी हो या उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हमें पता करनी हो तो हम उसको ब्रेक करके पता कर सकते हैं। अब ये साइक्लोट्रॉन काम कैसे करता है, ये मशीन चीज़ क्या है, वर्क क्या है, क्या इसकी लिमिट है, कहाँ तक काम करती है, किस सिचुएशन में काम करती है और किस सिचुएशन में काम नहीं करती, ये स्टडी करने वाले हम आज के टॉपिक में। टॉपिक इंटरेस्टिंग है, केयरफुली समझना। और मशीन्स साइक्लोट्रॉन हो गई, मूविंग ऑयल गैल्वेनोमीटर हो गया, एंड एनीथिंग एक्सेट्रा जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे, उसमें से साइक्लोट्रॉन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर बहुत केयरफुली समझेगा और ध्यान से। साइक्लोट्रॉन मशीन को बनाते वक्त साइंटिस्टों के दिमाग में कुछ बातें बहुत क्लियर थी कि हमें इन पर वर्कआउट करना है, हमें ऐसी मशीन बनानी है जो इन बातों को फुलफ़िल करती हो। पहली तो हमें एक ऐसी मशीन बनानी है जो चार्ज पार्टिकल की स्पीड को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर पाए, और स्पीड इंक्रीज हो गई तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ सकती है। इस चीज़ के लिए सबसे पहली बात, स्पीड इंक्रीज़ कैसे होती है, स्पीड को इंक्रीमेंट कैसे लाते हैं, एक्सेलरेशन से। और एक्सेलरेशन और स्पीड किस पर डिपेंड करते हैं, वो डिपेंड करते हैं टाइम पर। जितनी ज़्यादा देर तक कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होता रहेगा, अब उसको एक्सेलरेट करने वाला कॉजेस कुछ भी हो, जितनी ज़्यादा देर तक कोई भी पार्टिकल एक्सेलरेट होता रहेगा उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा इंक्रीज होती रहेगी। कैसे, हमें मालूम है इक्वेशन होती है वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, मतलब वेलोसिटी सीधे किस पर डिपेंड कर रही है, इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन एंड टाइम। जितनी ज़्यादा देर तक ऑब्जेक्ट पे एक्सेलरेशन एक्ट करेगा उतना ही ज़्यादा उसकी स्पीड में क्या होगा, इंक्रीमेंट। तो सीधा सा फंडा है, अगर स्पीड बढ़ानी है तो हमें ऑब्जेक्ट को ज़्यादा देर तक एक्सेलरेट करना पड़ेगा, मतलब हमें उसको उस फील्ड में ज़्यादा देर तक रखना पड़ेगा जिस फील्ड की वजह से वो एक्सेलरेट हो रहा है। अब कोई भी पार्टिकल ज़्यादा देर तक कैसे रह सकता है भाई, एक लिमिट है। सीधे चलता गया तो पार्टिकल बहुत हाईएस्ट स्पीड से चलते हैं, वो बहुत तेज़ी से बहुत लंबा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, मतलब ये मशीन बहुत ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उतना ज़्यादा समय तक चार्ज पार्टिकल उसमें रह सकता है, एक क्वेश्चन। दूसरी बात, अब इसको हमें ज़्यादा देर तक रखना है तो हमें उतना ही ज़्यादा इसमें अप्लाई करना पड़ेगा एनर्जी को, क्यों भाई, एनर्जी तो टाइम के अकॉर्डिंग मालूम है ना, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है एनर्जी डिक्रीज होती है, तो एनर्जी भी कंटिन्यूसली बहुत सारी चाहिए। जब बहुत सारी एनर्जी चाहिए, बहुत बड़ा डिवाइस चाहिए, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम इशू हो गई। इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर कैसे किया जाए, इन सबको सोचते सोचते बनाया गया एक डेवलप मशीन जिसका नाम था साइक्लोट्रॉन। वो इस सारी प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस को देख लेकर आया था कि मशीन छोटी भी हो गई, पार्टिकल को ज़्यादा एक्सेलरेट भी कर पाए, कैसे, इट्स अ सस्पेंस, वही अब हम पढ़ेंगे इसमें। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक साइक्लोट्रॉन। बेसिकली साइक्लोट्रॉन में जो हमने कॉन्सेप्ट की बात करें, ये किस कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है, तो यहाँ पे आपको दो बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट नंबर वन, वी नो वेरी वेल व्हेनेवर द चार्ज पार्टिकल एंटर परपेंडिकुलर इन अ मैग्नेटिक फील्ड
दे मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर करता है तो वो कौन से पाथ पे चलता है? सर्कुलर पाथ पे। ये हम प्रीवियसली स्टडी कर चुके हैं कई बार। तो अगर हम एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें और चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर एंटर कराएं तो एक समस्या दूर। कैसे? वो सर्कल में घूमेगा और धीरे धीरे अपना रेडियस बढ़ा करते जाएगा स्पीड से। एक सर्कल में घूमने में आपको मालूम है डिस्टेंस से कम मतलब डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना पड़ेगा और एरिया उसका कम हो जाएगा। इवन देन अगर वो स्ट्रेट लाइन पे चले, आई एम सेइंग दैट कि अगर एक स्ट्रेट लाइन पे चलता है बंदा और एक सेकंड में उसकी स्पीड है मान लो 5 मीटर पर सेकंड, तो एक सेकंड में कितना चलेगा? 5 मीटर। और वहीं वो सर्कुलर पाथ में घूमे तो उस केस में आप समझ रहे हैं 2πr1 round में, और ऐसे ही राउंड पे राउंड बढ़ते जा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट काफ़ी देर तक फील्ड के अंदर रह सकता है अगर वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो। अब यहाँ पे एक समस्या दूर हो गई कि हमें फील्ड बहुत बड़ा नहीं बनाना, छोटे फील्ड में काम चल जाएगा, मशीन ज़्यादा बड़ी नहीं बनेगी क्योंकि हम अपने पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में घुमा रहे हैं। और किसकी वजह से? मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर करा के। दूसरी बात, अब जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसको एक्सीलेरेट भी तो करना है, उसके लिए हमें एक फील्ड की ज़रूरत है। वो लगाया हमने इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है इवन देन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो वो तो एक ही साइड भागेगा और अपना डिस्टेंस कवर करके रुक जाएगा। हमें यहाँ लगाना है एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब चार्ज पार्टिकल लगातार मूव करता रहे, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, ऐसे घूमता रहे। अगर दो चीज़ें हम अप्लाई करते हैं तो हमारी काफ़ी समस्याएं दूर। एक तो एक्सीलेट हो गया, काफ़ी समय तक हमारे फील्ड में रहा, तो इन सबको देख कर जो साइक्लोट्रॉन बनाया गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना है वेरिएबल जिससे कि वो लगातार मूव करता रहे, एक लगाना है मैग्नेटिक फील्ड, वो भी कैसा? परपेंडिकुलर होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड जिसमें चार्ज पार्टिकल एंटर करता हो दिखे। कैसे एंटर करता हो दिखे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर? परपेंडिकुलर, तभी तो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। अब इन सबको दिमाग में रखते हुए कंस्ट्रक्शन कैसा होना चाहिए, इसका शेप कैसी होनी चाहिए, उस पर ध्यान देते हैं। तो पहले मेरे को एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना है। मैंने यहाँ पे स्टैटिक मैग्नेट लिया, ये रहा एक नॉर्थ पोल और ये लगाया मैंने एक साउथ पोल, इस नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड हो गया नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेटिक फील्ड मेरे को वाई एक्सिस में दिखाई दे रहा है सिंपली, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस में, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड की सिचुएशन तो क्लियर हो गई। अब मुझे अप्लाई करना है इलेक्ट्रिक फील्ड और वो भी वेरिएबल, और चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे दो प्लेट्स लेता हूँ, कैसे रखूँगा उनको? एक्स एक्सिस में। अब एक्स एक्सिस में बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, एक्स एक्सिस में कैसे ध्यान रखेंगे हम उन्हें? ये रखा मैंने एक डी, ये, और ये रखा मैंने दूसरा डी, ये। इनके साथ मैंने अप्लाई किया एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कैसे? ये लगाया मैंने एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हमारे पास? वेरिएबल हाई टेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरिएबल मतलब इसकी पोलरिटी बदलती रहेगी, कभी P1 प्लस का, कभी P2 माइनस, मतलब P1 प्लस का तो P2 माइनस का, और जब P1 माइनस का तो P2 प्लस का, ऐसे करके इसकी पोलरिटी बदलती रहेगी। अब पोलरिटी कितनी बदलनी है वो हमारे कंट्रोल में। ये हमने यहाँ पे हाई टेंशन का वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है, जैसे हम चाहेंगे वैसे इसकी पोलरिटी बदल लेंगे। पोलरिटी मतलब एक सेकंड में 50 बार बदले, 100 बार बदले, 500 बार बदले, वो फ्रिक्वेंसी हम सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये हमने इसमें एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिया। अब ये क्या है? इनकी शेप अल्फ़ाबेट डी के अकॉर्डिंग है, अल्फ़ाबेट डी के जैसी है, इसलिए इनको नाम दिया डीज, क्योंकि इन्हें को मिला, इन दोनों को मिला के तो एक सर्कल बनेगा भाई। एक समझो ना, एक सर्कल है, मुझे इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना है, डायरेक्ट लगा दूंगा शॉर्ट हो जाएगा, जुड़ा हुआ है, मैंने इसे ब्रेक कर दिया बीच से, और जैसे बीच से ब्रेक किया ये कैसी शेप का दिखाई देने लगा? डी। इसीलिए इनकी शेप ऐसी है। इसको नेम देते हैं हम लोग पहले वाले को, क्या बोला मैंने नाम इसको? डीज, डीज D1। इसको नेम देंगे हम लोग डीज D2। हमारे पास दो डी आ गई, एक D1 और एक D2। डीज भी आ गई, डीज क्या हमारी मेटल की हैं और होलो हैं क्योंकि इसके अंदर चार्ज पार्टिकल को मूव कराना है। मेटलिक होलो डीज, डी नाम क्यों है? क्योंकि ये अल्फाबेट डी के जैसी हैं।
इलेक्ट्रिक फील्ड भी तैयार है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है और डीज ऐसे रखी हुई हैं एक्स एक्सिस में, मैग्नेटिक फील्ड गए वाई एक्सिस में और इलेक्ट्रिक फील्ड गए एक्स एक्सिस में, दोनों डीज रखी हुई हैं। अब हमें चाहिए चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल कहाँ से आएगा और वो भी कहाँ आना चाहिए, सेंटर में इज अ सोर्स। चार्ज पार्टिकल को जनरेट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन भी एक तरह की मशीन है जिसके बारे में नेक्स्ट किसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन देंगे। ये क्या करती है, ये अपने अंदर फिलामेंट लगा होता है, उसके अंदर हाई वोल्टेज लगा होता है जो फिलामेंट से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बीम की फॉर्म में जनरेट करती है। वो इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से फायर होते हैं दो एनोड के बीच में से, यानी कंक्लूजन दैट कि इलेक्ट्रॉन गन एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर से हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन निकलता है। वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आके हिट करेगा और जहाँ इलेक्ट्रॉन हिट करेगा वहाँ से क्या निकलने शुरू हो जाएंगे, बट नेचुरली इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पार्टिकल कैसा हो गया, चार्ज पॉजिटिव, तो यहाँ पर जनरेट हुआ एक पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन गन की हेल्प से हमने यहाँ सोर्स पर एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट किया। नेगेटिव चार्ज जनरेट करना बहुत मुश्किल है, हम कैसा चार्ज दे सकते हैं किसी भी चीज़ को, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन निकाल दो पॉजिटिव हो गया, और इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ईजी। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन गन के थ्रू हमने पॉइंट एस पे निकाला पॉजिटिव चार्ज। अब कहानी क्या होती है, कंस्ट्रक्शन एक बार फिर से पढ़ लें ताकि वर्किंग की तरफ ध्यान दे पाए। ये दो डीज हैं, नाम डीज क्यों हैं, अल्फ़ाबेट डी के अकॉर्डिंग हैं। अब इन पर कैसा वोल्टेज लगाया है, वेरिएबल हाई टेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कैसे रखी हुई है, एक्स एक्सिस में, होलो हैं, मेटेलिक हैं जिसके अंदर चार्ज आसानी से घूम सकता है। ये क्या लगा रखे हैं हमने, दो मैग्नेटिक पोल नॉर्थ और साउथ कैसे लगे हुए हैं, वाई एक्सिस में, किसलिए लगे हुए हैं, ताकि हम एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर पाएँ। अब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट, बात आती है वर्किंग की, ये काम कैसे करता है उस पर ध्यान देते हैं। क्लियर, शुरू करते हैं वर्किंग। हम बात कर रहे हैं वर्किंग की साइक्लोट्रॉन की। साइक्लोट्रॉन की वर्किंग क्या है, अब तक ये समझ में आया कि सेंटर एस पर कौन सा चार्ज आ चुका है, पॉजिटिव, हाई टेंशन वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये कैसा है, P2 मान लो माइनस का, ये कैसा है हमारा, पॉजिटिव का, वेरिएबल करेगा। ये प्लस वाला जो चार्ज है जनरेट हुआ है, किस तरफ भागेगा, ये सीधा सीधा भागेगा निकल कर माइनस वाले डीएस की तरफ। और कैसे जा रहा है, ये तो डीज ऐसे रखी है ना, कैसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में वाई के, और ये जा रहा है उसके परपेंडिकुलर, और जैसे ही परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा ये जा ये कैसा मुड़ जाएगा, सर्कुलर। क्योंकि हमने पढ़ा है जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर करता है कैसे घूम जाता है, सर्कुलर। तो ये अपनी इस ट्रैक पे जाएगा, ये जा रहा है जूम, जैसे ही अब ये बाहर आना शुरू हुआ, ये बाहर आना शुरू होता है तुरंत इसकी पोलैरिटी चेंज, ये कैसा हो गया नेगेटिव और ये कैसा हो गया पॉजिटिव, यानी बाहर तभी आएगा जब इसकी पोलैरिटी बदल चुकी होगी। अब ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल किस तरह भागेगा, नेगेटिव की तक 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 तक, और ये यहाँ तक पहुँचा। अब क्या होगा, फिर पोलैरिटी चेंज, पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये बाहर निकलेगा और कहाँ घूमेगा, फिर पॉजिटिव, और ऐसा करते हुए डिंग 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 डिंग, ये लगातार इसमें घूमता रहेगा। और एक पोजीशन ऐसी आएगी जब सारी डीज का वॉल्यूम फिनिश हो चुका होगा, एरिया ख़त्म हो चुका होगा, पूरे एरिया में चार्ज पार्टिकल घूम चुका होगा, अब तो घूम फिर के कहाँ आएगा, ये बाहर निकलेगा कहाँ से, मान लो यहाँ से, इसका नाम क्या होता है, विंडो, जहाँ से ये बाहर निकल के आता है उसको हम लोग बोलते हैं विंडो। यहाँ से ये सीधा हिट करेगा किसको, टारगेट को, जिससे ये टकराएगा। फिर से एक बार बताता हूँ, अब तक तो मैंने कहानी की तरह बताया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, दो डीसी D1 D2 पे मान लो नेगेटिव टर्मिनल है, सीधा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कहाँ भागेगा, नेगेटिव की तरफ, और जैसे ये मूव करके बाहर आएगा पोलैरिटी चेंज हो चुकी होगी, यानी जब पोलैरिटी चेंज हो जाएगी तब ये बाहर निकलेगा। अब ये पोलैरिटी कैसी हो चुकी है, माइनस की, ये भागेगा D1 की तरफ, और D1 से D2 की तरफ फिर भागेगा, कब, जब इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, और इस तरह से लगातार ये इसमें घूमता रहेगा। और जितनी बार घूमेगा, रिमेंबर पहले ही बताया था मैंने, V=U+AT, जितने समय तक ये इस फील्ड में घूमता रहेगा एक्सेलरेशन इसमें इंक्रीज होता रहेगा, किसकी वजह से,
इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और इसकी स्पीड होती इंक्रीज, और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज वहाँ काइनेटिक एनर्जी भी इसकी इंक्रीज होती रहेगी। मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर जाने की वजह से सर्कुलर घूम रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होने की वजह से लगातार इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, फाइनली स्पीड इंक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, और ये एक ह्यूज क्वांटिटी में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर लेता है, और जिससे टकराता है टारगेट से उसको डिस्ट्रॉयड कर देता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कितनी काइनेटिक एनर्जी आई, कितनी स्पीड आई, कितना एक्सेलरेशन था, यानी इसके फॉर्मूलेस क्या क्या थे, उनको समझते हैं। शुरू करें फॉर्मूलेस पे। फर्स्ट थिंग, इसमें एक्सेलरेशन कितना आया, एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास। फोर्स कौन सा लगा है इसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्यू ई, जिसकी वैल्यू होती है अपॉन मास। यह है इसका एक्सेलरेशन, जिसकी वजह से ये अपनी स्पीड को इंक्रीज करेगा। अब कितनी स्पीड है उसके लिए, ये एक लगातार सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, यानी इस पे लग रहा होगा एक सेंट्रीपेटल फोर्स। वो सेंट्रीपेटल फोर्स कितना होगा, वो होगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। दूसरा, एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, इस पे लगना चाहिए मैग्नेटिक फोर्स, वो मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, वो होगा क्यू वी बी साइन, और कितना एंगल था 90 मतलब 1, तो क्यू वी बी, दोनों इक्वेशन वेरी इक्वल हैं, तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू क्यू वी बी, वी से वी कैंसिल, हमें क्या मिलेगा यहाँ से आर, आर कितना हो जाएगा एम वी अपॉन क्यू बी, ये वैल्यू है किसकी हमारे पास, आर इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, उस रेडियस की जिसमें ये मूव कर रहा है। तो अब रेडियस तो मिल चुका है, क्या निकला रेडियस का फॉर्मूला, रेडियस का फॉर्मूला मिला है आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, मतलब रेडियस किस पर डिपेंड कर रहा है, सीधे सीधे स्पीड पे। जैसे जैसे चार्ज पार्टिकल स्पीड इंक्रीज करेगा, वैसे वैसे वो बड़ी रेडियस में मूव करेगा, रेडियस इंक्रीज होगी, समझ जाओ उसकी स्पीड भी इंक्रीज हो रही है। अब बाकी बातें कि उसकी स्पीड, टाइम, इन पर डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार ये भी देख लेते हैं कि आखिर उसकी काइनेटिक एनर्जी प्रिपेयर कितनी हुई। तो वंस अगेन हमने क्या देखा था, सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्यू वी बी, दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ हाफ से। जैसे मैं इसमें हाफ से मल्टीप्लाई करता हूँ, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू 1/2 क्यू वी बी आर, ये मेरे पास प्रिपेयर हो गई किसकी इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ क्यू वी बी आर, ये है ऑब्जेक्ट की, यानी कि हमारे उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी। कैसे निकाली, सेंट्रीपेटल फोर्स लग रहा था इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, हाफ से मल्टीप्लाई किया, सिंपल काइनेटिक एनर्जी प्रिपेयर। अब ये राउंड भी तो लगा रहा है, एक पूरा सर्कल भी तो कंप्लीट कर रहा है, उस एक सर्कल को कंप्लीट करने में इसको कितना टाइम लग रहा होगा, वो देखते हैं। टाइम कैसे निकालेंगे वो समझिए, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस तो हो गई इसकी एक सर्कुलर पाथ के लिए 2πr, स्पीड कितनी हो गई v, यहाँ से 2π अपॉन v एज इट इज, ये r देख रहे हैं, r की वैल्यू कितनी है एम वी अपॉन क्यू बी, मैंने यहाँ पे r की वैल्यू रख दी एम वी अपॉन क्यू बी। अगर मैं इसे कैलकुलेट करता हूँ तो टाइम पीरियड कितना आ रहा है 2π m अपॉन क्यू बी, क्योंकि वेलोसिटी से वेलोसिटी कैंसिल हो गई, ये है उसको एक सर्कल पूरा करने में लगने वाला टाइम। अब इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, यानी एक सेकंड में कितनी बार घूम रहा है वो देखते हैं। इसकी फ्रिक्वेंसी मतलब डिपेंड ऑन सेम इसकी फ्रिक्वेंसी, पर जो इसकी फ्रिक्वेंसी है उसी के अकॉर्डिंग तो ये घूमेगा, जब तक ये प्लस माइनस नहीं बदलेगा बेचारा कैसे घूम लेगा, जैसे ये पोलरिटी बदलेगा इसको परमिशन देगा ये मूव करेगा, उससे पहले नहीं। तो यहाँ जो फ्रिक्वेंसी आ रही है वो इसकी भी और इसकी भी, दोनों ही क्या है सेम, कितनी है वो देखिए। फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है 1/ टाइम पीरियड, अगर इसे रिवर्स कर लें तो क्यू बी अपॉन 2πm, ये हमें मिला इसका फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला जो अब तक हमने निकाला है। एक बार अच्छे से समझ लें, मैंने यहाँ पे रेडियस निकाला r इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, रिपीटेबल कर देता हूँ एक बार फिर से। यहाँ पे हमें मालूम पड़ा कि सबसे पहले हमने क्या निकाला, रेडियस कितना एम वी अपॉन क्यू बी, हमने निकाला इसका टाइम पीरियड 2πm अपॉन
क्यू बी, हमने निकाली इसकी फ्रिक्वेंसी क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, और हमने निकाली इसकी काइनेटिक एनर्जी। तो ये सब इसको साफ कर लेते हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है, ये सब पढ़ चुके हैं, आगे बातें। चलो पूरी पिक्चर में अब तक ये तो क्लियर हो चुका साइक्लोट्रॉन क्या है। क्या है साइक्लोट्रॉन? एक ऐसी मशीन जो हैवी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करती है। अभी डिस्कशन करना बाकी है लिमिटेशन पे। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? दो फील्ड लगते हैं, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? इसको लगातार एक्सेलरेट करता है क्योंकि वो खुद वेरिएबल है। मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होते ही वो उसको सर्कुलर पाथ में घुमा देता है। हमने यहाँ देखा कि लगातार बार बार मैग्नेटिक फील्ड के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल के घूमने के कारण इसकी स्पीड इंक्रीज होती रहती है, और एक ऐसी पोजिशन आती है जब ये हाइएस्ट स्पीड लेकर सीधा बाहर भागता है, उस वक्त इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है। और हमने इस पूरी मशीन का यूज़ ही इसलिए किया था कि हम चार्ज पार्टिकल की एनर्जी का लेवल बहुत ज़्यादा कर पाएँ ताकि वो टारगेट से हिट करके उसको डिस्ट्रॉयड कर दें। फाइनली रेडियस मिली, टाइम पीरियड, फ्रिक्वेंसी एंड एक्सेट्रा। क्वेश्चन ये आता है, मशीन तो सब अच्छी है, फर्स्ट क्लास है, इसकी लिमिट क्या है? कितनी लिमिट तक काम करती है, किस कंडीशन में काम करती है और किस कंडीशन में काम नहीं करती? सबसे पहला बात कंडीशन। यहाँ पे क्या हम हैवी चार्ज पार्टिकल का नाम बार बार ले रहे हैं, उसकी जगह इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते? वो भी तो चार्ज पार्टिकल है, आसानी से मिल भी जाता है। नहीं, ये मशीन इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं कर सकती, मशीन में इलेक्ट्रॉन को नहीं यूज़ कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वो समझो, हमें ये पता करना है कि इलेक्ट्रॉन को यूज़ क्यों नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आया था हमारे पास? क्यू ई अपॉन एम, मतलब एक्सेलरेशन किस पर डिपेंड कर रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक, मतलब जिसका मास कम होगा उस पर एक्सेलरेशन ज़्यादा लगेगा। इलेक्ट्रॉन का मास कम है उस पर एक्सेलरेशन ज़्यादा लगेगा एज कम्पेयर टू अदर चार्ज पार्टिकल। ठीक, हमने पढ़ा था V इज प्रोपोर्शनल टू ए टी, अभी पढ़ा था ना, मतलब जितना ज़्यादा उस पर एक्सेलरेशन लग रहा होगा पार्टिकल पे उतनी ज़्यादा उसकी स्पीड इंक्रीज। चलो काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? इट शुड बी आल्सो डिपेंड ऑन स्पीड। जिसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? बहुत ज़्यादा। ये भी बात समझ में आती है। तो फ़र्क क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि हम इसमें यूज़ नहीं कर पा रहे हैं? जरा देखो फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बी अपॉन टू पाई एम। जिस पर मास में कमी होगी, जिसका मास कम होगा उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी? ज़्यादा, ये तो हम भी जानते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन को इसमें रखने से अब वो स्टैटिक नहीं है, वो वेरिएबल हो गया। समझने की कोशिश करना, नॉर्मल अगर इलेक्ट्रॉन है, स्टैटिक की बात कर रहे हैं, तो उस केस में तो उसका मास बाकी से कम होता है, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करेगा, एक हमने आइंस्टीन की थ्योरी पढ़ी थी, उसमें बताया गया था मास के बारे में, एम इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट में वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसको हम लोग क्या बोलते थे? रेस्ट मतलब सॉरी वेरिएबल मास। और ये क्या होता था हमारे पास? रेस्ट मास। यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जब इसमें फील्ड में एंटर करता है उसकी स्पीड लगातार इंक्रीज हो रही है। वी इंक्रीज होने से, सी तो बहुत ज़्यादा होता है, 3×10⁸ बहुत ज़्यादा वैल्यू है, वी के इंक्रीज होने से इस वैल्यू में मिनोरिटी का ये कम होना शुरू हो जाएगी। जब डिनोमिनेटर कम होना शुरू हो जाएगा, ये जो मास है वेरिएबल वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। फैक्ट है भाई, बिल्कुल सच है। जब हम रनिंग कंडीशन में होते हैं, हम मतलब इस चार्ज पार्टिकल के बारे में सुनना पहले, जब चार्ज पार्टिकल रनिंग कंडीशन में होता है तो उसका मास उसके रेस्ट मास से ज़्यादा आता है। रनिंग कंडीशन में स्पीड बढ़ गई ना, स्पीड बढ़ गई तो मास क्या हो गया उसका? अपने आप ज़्यादा, क्योंकि ये डोमिनेटर कम हो गया, मास ज़्यादा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया कि हम तो सुबह शाम तक दौड़ते हैं, हमारा मास तो बढ़ जाना चाहिए। इधर मत देखो, मतलब आई मीन टू से कि मास बढ़ जाना चाहिए, लॉजिक समझो। हम जो स्पीड से दौड़ते हैं क्या वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी? बुद्धि लगाओ, इलेक्ट्रॉन की स्पीड तो बहुत हैवी होती है, बहुत तेज दौड़ता है, बहुत ज़्यादा स्पीड से। हमारी स्पीड कितनी होगी? तुम पूरी ताकत लगा लो, कितना दौड़ पाओगे? 10 किलोमीटर पर आवर, 20, 30, 40, 50, 60, इससे ज़्यादा तो नहीं दौड़ सकते। सेम थिंग, इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये वेरिएशन हमारे पास कुछ तो मिला। हम अपनी बात करें तो हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है,
सी कितना होता है? सी होता है स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकेंड। चलो किलोमीटर में ले लो, 3×10^5 किलोमीटर पर सेकेंड। हमारी स्पीड कितनी होती है? 30 ले लो, काफ़ी है। तो आप क्या समझ पा रहे हो? सॉरी किलोमीटर पर सेकेंड, तो इतना तो हमारी होती भी नहीं है स्पीड जो मैंने लिख दी। अंदाज़ा मान लो 30 मान लो, तो आप क्या देख पा रहे हो? हमारी स्पीड बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू सी। इस वजह से ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू यहाँ पर नेगलेक्टेड आती है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हमारे मास और रेस्ट ऑफ मास में। जो फर्क पड़ता है वो इलेक्ट्रॉन की स्पीड से पड़ता है। तो फाइनली लिमिटेशन समझ में आ रही है। साइक्लोट्रॉन के अंदर अगर हम हैवी चार्ज पार्टिकल लेंगे, हैवी होने की वजह से उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होगी, तो ये कंडीशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं ले सकते? अभी आपने देखा ना, उसका मास इंक्रीज़ हो जाएगा, और मास इंक्रीज़ हो गया तो क्या होगा? एक बार फिर से समझ लो, अगर मास इंक्रीज़ हो जाता है तो फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी? कम। फ्रिक्वेंसी कम हो गई तो 1, 2, 3 बाहर, जितनी फ्रिक्वेंसी कम उतनी जल्दी बाहर। और अगर वो जल्दी बाहर आ जाएगा तो एनर्जी इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कर पाएगा, हमें तो उसे देर तक घुमाना है। इसलिए हम हैवी चार्ज पार्टिकल लेते हैं ताकि खूब घूमे। जितना घूमेगा उतना अपनी नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वो इंक्रीज़ कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लेते? राउंड कम, फ्रिक्वेंसी उसकी कम, सीधा बाहर, क्योंकि मास बढ़ रहा है एज़ पर दिस फॉर्मूला। प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या हम इसमें अल्फा ले सकते हैं, ड्यूट्रॉन ले सकते हैं, इस तरह के हैवी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ले सकते हैं। निगेटिव भी क्यों नहीं? निगेटिव लाना मुश्किल है, पॉजिटिव लाना आसान है। अल्फा और ड्यूट्रॉन का मास ज़्यादा होता है, मास ज़्यादा होने की वजह से, यानी यहाँ पे आप समझ रहे हैं, इस फॉर्मूले से उनकी स्पीड पर फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता। जब स्पीड पर फ़र्क नहीं पड़ेंगे तो दोनों में ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, वो ज़्यादा देर तक घूम पाएंगे। यहाँ इलेक्ट्रॉन जल्दी बाहर आता था, जितनी ज़्यादा देर घूमेंगे उतनी ज़्यादा उनकी फ्रिक्वेंसी डेवलप होती रहेगी। और ये मशीन क्या नहीं कर सकती? ये मशीन न्यूट्रॉन पे कोई फर्क नहीं डाल सकती। क्यों? चार्ज ही नहीं होता। चार्ज नहीं होने से क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो बेचारा ऐसा बच्चा हो गया, चाहे फिजिक्स पढ़ा लो, मैथ पढ़ा लो, केमिस्ट्री करो, कुछ समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे अनचार्ज पार्टिकल से अगर हम इस मशीन को लेकर यूज़ करना चाहें कुछ भी उन पे, तो ये मशीन अनचार्ज पार्टिकल का कुछ नहीं कर सकती। इज इट क्लियर? ये तो हो गया इसका एक फॉर्मेशन। इस बाकी और ने देखा है तो मशीन बहुत बड़े इंटरेस्टिंग है। इसने करा कि अब तक ऑन एन एवरेज फाइनली अगर हम देखें तो ये मशीन ने हमारे हैवी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को बहुत तेज़ से एक्सेलेरेट कर दिया। इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट लगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, मैग्नेटिक फील्ड लगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल था जिसकी वजह से लगातार बहुत देर तक इलेक्ट्रिक फील्ड में घूमती रही। मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा था, इसलिए उसने सर्कुलर पाथ को घुमा यूज़ किया। सर्कुलर पाथ होने की वजह से वो लंबी डिस्टेंस कवर कर पाई बिना एरिया इंक्रीज़ किए। और स्पीड, क्योंकि एक्सेलरेशन काफ़ी देर तक लग पाया इसलिए उसकी स्पीड बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। और जब वो हाई स्पीड से बाहर आई तो उसने जिस चीज़ से टकराए कर जिस चीज़ से भी वो टकराई उसको उसने डेस्ट्रॉयड कर दिया। और इसकी लिमिटेशन क्या थी? हल्का पार्टिकल नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? हल्के पार्टिकल में उसका मास इंक्रीज़ हो जाएगा एज़ पर दिस फॉर्मूला। वो कम रोटेशन मारेगा, जल्दी बाहर आएगा, ज़्यादा देर तक एक्सेलरेशन नहीं लगेगा, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी उसकी नहीं बढ़ेगी। हैवी चार्ज पार्टिकल लेते हैं ताकि ज़्यादा देर तक घूम पाए, ज़्यादा देर तक घूमेगा, ज़्यादा स्पीड बढ़ेगी, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अनचार्ज पार्टिकल का कोई मतलब नहीं, इस मशीन से कोई यूज़ नहीं कर सकती। अनचार्ज पार्टिकल को तो ऐसे मान लो जैसे कॉमर्स के बच्चे को फिजिक्स की क्लास में बैठा दिया, कुछ समझ में नहीं आएगा। इस तरीके से ऑन एन एवरेज आपने आज साइक्लोट्रॉन की स्टडी करी है।